इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर फॉर एग्जाम्पल कि टू पर्सन को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दिया जा रहा है और एक पर्सन जो है वो उसको वन और में कम्प्लीट कर रहा है और एक पर्सन जो है वो उसको फाइव आर्स में कम्प्लीट कर रहा है सो दैट मीन्स कि कौन से पर्सन की पावर ज़्यादा है वो पर्सन जो कि वन और में काम को कम्प्लीट कर रहा है तो उसकी पावर ज़्यादा है सो so, बेसिकली पावर टेल एस कि एक पर्सन जो है वो कितने टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है सो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से दैट पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और जहाँ भी वर्ड आ जाए रेट का दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी जो है वो टाइम से डिवाइड हो रही है तो सिमिलरली पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी सो पावर जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है एज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी सो वी कैन से दैट पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी सो पावर का यूनिट है वॉट और वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से द पावर विल बी वन वॉट इफ द वर्क डन एट द रेट ऑफ वन जाउल पर सेकेंड सो वॉट जो है ये एक स्मॉलर यूनिट है और अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें तो बिगर यूनिट्स हैं किलो वॉट और किलो है 10 रेस टू दी पावर थ्री वॉट और मेगा वॉट दैट इज टेन रेस टू दी पावर सिक्स वॉट सो अब वन हॉर्स पावर वन हॉर्स पावर दैट मीन्स कि एक घोड़े की अगर हम ताकत की बात करें तो एक घोड़े की ताकत जो है वो सेवन फोर्टी सिक्स वॉट के इक्वल होती है ये एमसी क्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि वन हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वॉट सो आई होप आपको पावर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा